हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एमजे मनोज और आज हम लेके आए हैं एक और नई जगह जो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी ब्यूटीफुल है। हाँ जी, ये है, ये इस जगह का नाम है साबी नदी का डैम। इस डैम को बनाए हुए काफ़ी, ये डैम काफ़ी पुराना हो चुका है और इस डैम को आप देखेंगे कि इस डैम में अब फिलहाल बारिश का पानी इकट्ठा हो चुका है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये डैम हरवेड़ा के 5-6 किलोमीटर पास में पड़ता है। तो ये डैम जो है जो काफ़ी पुराना है और साबी नदी कुआँ बनाया गया है और इस कुएँ को हम आपको दिखा रहे हैं कि इस कुएँ के इस पार से लेके उस पार तक अंदर ही अंदर एक सुरंग है जो कि आपको नीचे जाके जब पहुंचोगे तो आपको दिख जाएगी। अभी इसमें पानी भरा हुआ है और बताया जाता है कि इस कुएं के अंदर बहुत सारे कमरे टाइप कुछ बना हुआ है जो कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होता। देखेंगे, देखो कितना बड़ा इसका व्यू है और आपको व्यू से देखने को आपको मिलेगा, काफ़ी सुंदर भी है। ये जो हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये पानी का सेंटीमीटर नापने का सेंटीमीटर बनाए गए हैं कि कितने सेंटीमीटर पानी है कितना नहीं है। और इसके साथ में ही हम आपको इधर ये देखिए, आपको देखने में आपको ये जयपुर हाईवे पे स्थित है जो कि आप देखेंगे, हम आपको आगे की तरफ और दिखाते हैं। काफ़ी दूर तक यहाँ पे पानी भरा हुआ है और काफ़ी सुंदरता है यहाँ पे है क्योंकि हरे भरे हैं यहाँ पे सब कुछ, पेड़ पौधे हरे हुए हैं। यहाँ पे सुबह मॉर्निंग टाइम में लोगों की काफ़ी भीड़ होती है, वॉक करने के लिए आते हैं लोग, यहाँ पे योगा करने के लिए आते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह है ये मॉर्निंग वॉक के लिए। और सुबह के टाइम में आपको यहाँ काफ़ी लोग देखने को भी मिलेंगे। और उधर आप देखेंगे, देखो दूर दूर तक पानी भरा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये बहुत बड़ा बांध बनाया गया है को देखो, काफ़ी किलोमीटर लंबा है और पानी भरा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि देखो ये नीचे उतरने की सीढ़ियाँ, ऊपर से नीचे उतरने की, ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ भी यहाँ पे बहुत सारी बनाई हुई हैं। और अभी हम डैम के आगे तरफ आपको और आगे जाके थोड़ा सा इसका व्यू दिखाते हैं, देखेंगे आओगे तब भी आप देखोगे तो पानी भरा हुआ है। और चलो चलते हैं, ये देखेंगे नीचे उतरने की सीढ़ियाँ और आके काफ़ी सुंदर। और देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो प्रदूषण है वो इसकी वजह से हुआ है कि हमारी फुटेज भी इतनी साफ नहीं आ रही है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को हमें मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के दोस्तों। देखेंगे तो आपको देख के चल ही रहा होगा काफ़ी दूर, कितना सुंदर है यहाँ का व्यू, कितना सुंदर हरियाली आपको यहाँ देखने को मिलती है। देखिए काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है और पानी का जो कलर है वो भी ग्रीन हो चुका है क्योंकि हरी हरा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और देखेंगे, चलो आपको और थोड़ा सा दिखा देते हैं, काफ़ी अच्छा है। और बरसात के समय तो यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली हो जाती है, अभी भी यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली आपको देखने को मिलेगी। और बिल्कुल शांत है यहाँ पे वातावरण, वहाँ आप बैठ के वातावरण के आनंद ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। कभी आए तो आप ऐसी जगह जरूर देखें जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो काफ़ी खूबसूरत हो और ये काफ़ी दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। और दूर तक आपको यहाँ पे कुछ नहीं है, देखेंगे काफ़ी बड़ा बांध बनाया गया है और काफ़ी ऊंचा भी है, हाइट भी बहुत ज़्यादा है बांध की, दिखने में भी काफ़ी सुंदर है। और अभी यहाँ पे और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का काम भी चल रहा है, हमने आगे की तरफ जाके देखा था तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। इसको एक अच्छा प्रकृति का एक अच्छा व्यू देखने को हमको यहाँ पे मिलता है क्योंकि हमारे आसपास पेड़ पौधे बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ पौधे
हरियाली आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और उधर आप देखेंगे पीछे कंपनी भी है जो चिमनियाँ जल रही हैं, और साथ में ही काफ़ी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। और दोस्तों अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे और कोई और नया टॉपिक हम लेके जाएंगे। नमस्कार।